बिसमीम असल आज हम लोगों ने स्टडी करनी है इंडस्ट्रियल प्रशन ऑफ अल्कोहल दो अल्कोहल है ना उनकी हम लोगों ने प्रेपरेशन करनी है एक हम लोगों ने करनी है मैथिनोल की प्रेपरेशन यानी कि मिथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन और दूसरी हम लोगों ने करनी है एथेनोल की प्रेपरेशन यानी कि इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन ठीक है इंडस्ट्रियली हम लोग इनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इसमें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैथिनोल की प्रप्रेशन बच्चे मैथिनोल जो है ओल्ड इरा में यानी कि पुराने ज़माने में हम लोग इसको प्रिपेयर करते थे वुड से यानी वुड की डिस्टिलेशन से और इसको ना जलाने के प्रोसेस में यानी कि ये जलती थी जलने के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते थे इसलिए हम लोग इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं आजकल जो हम लोग मॉडर्न इरा में इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं विद दी हेल्प ऑफ वाटर गैसेस अब वाटर गैस क्या होती है वाटर गैस आप लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो कम्बिनेशन uh, है उसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस यानी हम लोगों ने इसको किससे प्रिपेयर करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से इन अदर वर्ड हम लोग इसको किससे प्रिपेयर कर रहे हैं वाटर गैस से अब हम लोग इसको वाटर गैस से किस तरह से प्रिपेयर करेंगे इसमें सिंपल सा प्रोसेस है आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का भी कोई सोर्स होगा जिससे हम लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है अमूमन हम लोग इसको कार्बन प्लस वाटर से इसको प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले जाहिर है इसको चूंकि इसका कोई सोर्स है तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन को गैस प्योरीफायर में लेके जाना है आप लोगों ने इसको प्योरीफाई करना है प्योरीफाई करने के बाद आप लोग आपने इसमें इसको प्रेशर अप्लाई करना है इसको कंप्रेसर में लेके जाना है कंप्रेसर नाम से जाहिर है कि हम लोग इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो हाई प्रेशर जो है वो कितना हम लोगों को रिक्वायर्ड है हम लोगों को चाहिए तकरीबन टू हंड्रेड एटमासफेयरिक प्रेशर ठीक है टू हंड्रेड एटमासफेयरिक प्रेशर हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है इसको कंप्रेस करना है और कंप्रेस करने के बाद आप लोगों ने इसको लेके जाना है कैटालिटिक टावर में ये आपके पास जो है ना वो है कैटालिटिक टावर रिएक्शन चैम्बर ठीक है और कैटालिटिक टावर में आपने इसको लेके जाना है ये थ्रू क्वाइल्ड पाइप्स क्वाइल्ड पाइप्स क्या करेंगे कि इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का वो इंक्रीज कर देगा ठीक है क्वाइल्ड पाइप के जरिए आप लोगों ने इसको रिएक्शन चैम्बर में आप इसको ले गए रिएक्शन चैम्पर में हम लोगों ने कैटालिस्ट को हीट करना है कैटालिस्ट को हीट करना है एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और जो कैटालिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड दोनों की मौजूदगी में यानी ये कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये आपस में मिलेंगे आपस में रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मीठाइल अल्कोहल में अब मिथाइल अल्कोहल जो बना क्योंकि यहाँ पे हाई टेंपरेचर है तो हाई टेंपरेचर होने की वजह से ये जो मिथाइल अल्कोहल बनेगा ये वेपर फॉर्म में बनेगा ठीक है हाई टेंपरेचर होने की वजह से ये किस फॉर्म में बनेगा वेपर फॉर्म में अब आप लोगों ने क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में थ्रू कंडेंसर थू थू ठीक है कंडेंसर जो है ना इसमें ये भी आपको क्वाइल्ड पाइप नजर आ रहा है स्पाइरल ठीक है इसमें आप लोगों ने इसका हीट जो है वो निकालनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट कर देना है लिक्विड में कन्वर्ट करने, कर लेना है इन द कंडेंसर ये आपके पास मैथिनोल जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब ये मैथिनोल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हो सकता है यहाँ पे कुछ गैसेस हों और वो गैसेस कौन सी हों वो गैसेस अनरिएक्टेड जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी अगर यहाँ पे अनरिएक्टेड कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन मौजूद होगी तो वो आपने क्या करना है इसको दोबारा से रिसाइकलिंग कर देनी है इसकी और इसको दोबारा से कंप्रेशन पंप में ले जाना है और कंप्रेशन पंप में दोबारा से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है और इसको रिएक्शन चैम्बर में ले जाना है यानी कि फर्दर इसका इसको रिसाइकिल करके दोबारा से इसका रिएक्शन करवा लेना है ठीक है ये थी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल मैं इसको रिपीट कर रही हूँ मैंने बोला कि हम लोग जो पुराने इरादा उसमें हम लोग इसको प्रिपेयर करते थे बाय वुड वुड की डिस्टिलेशन से आजकल हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं वाटर गैस से वाटर गैस का फार्मूला कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन आपने क्या करना है इसको इसके ऊपर ये जो वाटर गैस है हाई टेम्परेचर यानी 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 200 हंड्रेड एटमोसफेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड आपने इसको कन्वर्ट कर देना है मिथा एल्कोहल और इसको प्रोसेस हम लोगों ने क्या करना है प्रोसेस हम लोगों ने करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्योरीफाई करना है प्योरीफाई करने के बाद आपने कंप्रेसर में 200 हंड्रेड एटमोसफेरिक प्रेशर अप्लाई करना है थ्रू क्वल्ड पाइप्स आप इसको रिएक्शन चैम्बर में ले गए जहाँ पे आप लोगों ने कैटालिस्ट अप्लाई करना है कैटालिस्ट जो है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की मौजूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये कन्वर्ट हो जाएगा मैथिनोल में अब हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो मैथिनोल है वो किस फॉर्म में है फॉर्म फॉर्म में गैसियस में होगा तो आपने क्या करना है इसको लिक्विफाई कर देना है ठीक लिक्विफाई करेंगे थ्रू कंडेंसर और लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर लेना अगर यहाँ पे अनरिएक्टेड गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो तो आप लोगों ने इसको रिसाइकिल कर देना है ये है जी मैथिनोल का प्रिपेयर करने का प्रोसेस तो ये देखें जो पहला पैराग्राफ है मैथिनोल में उन्होंने लिखा है कि फार्मरली डिस्टिलेशन ऑफ वुड दैट्स वु इट इज आल्सो नोन एज वुड नाउ आल्सोर इट इज फ्रॉम कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन या वाटर गैस हम लोग इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्यूरिफाइड आपने इसको गैस प्योरीफायर में ले जाना है देन इट इज कम्प्रेस्ड एट टू हंड्रेड एटमोसफेरिक प्रेशर फिर इसको टू हंड्रेड एटमोसफेरिक प्रेशर अप्लाई करना है एंड टेकन टू द रियक्शन चैम्बर बाई मीन ऑफ क्वाइल्ड पाइप और इसको रिएक्शन चैम्बर में हम ले गए क्वाइल्ड पाइप की मौजूदगी में जरिए कैटलिस्ट इज हीटेड अपू फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैटलिस्ट आप लोगों ने हीट करना फोर फिफ्टी से फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गैस इज रियक्ट टू फार्म मैथिनोल आपस में रिएक्ट करेंगी और मैथेनोलर्स की फार्मेशन करेंगी ट दिन और इसको हम लोगों ने कंडेंसर में कंड है कर और इसको किसमें कन्वर्ट कर लेना मैथिनोल लिक्विड में अनरिएक्टेड गैसेज आर रिसाइकल थ्रू द कंप्रेसर टू रियक्शन चैम्बर अगर अनरिएक्टेड गैसेज होंगी तो दोबारा से आप लोगों ने इसको रिसाइकल कर देना और इसको कंप्रेसर में ले जाना है ठीक है ये थी बेटे मैथिनोल की प्रेपरेशन अब दूसरी जो हम लोगों ने करनी है वो हमने करनी है एथेनोल की प्रेपरेशन एथेनोल की प्रेपरेशन जो है ना वो हम लोगों ने किस तरह से करनी है एथेनोल बच्चे सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो अपने अल्फाज में इसको बता दूं एथेनोल बेटे एथेनोल का फार्मूला होता है सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है उर्फे आम में हम इसको शराब कह सकते हैं शराब जो है ना वो हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटे शराब जो है वो एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का आप लोग बायो में पढ़ चुके हो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए आप इसको प्रिपेयर करते हैं ठीक है हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च भी आ जाता है सुक्रोज भी आ सकता है ठीक है अब हमने क्या, करना क्या इसमें जो प्रोसेस होता है ना फर्मेंटेशन में बेसिकली ये डिग्रेडेशन का प्रोसेस है डिग्रेडेशन का प्रोसेस इस तरह से क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं को तोड़ते हैं पोलिसक्राइड इज ए पोलीमर ठीक है पोलीसेकर पोलीमर है पौली पोलिसक्राइड को किस में कन्वर्ट करते, है? करते हैं डाई में डाइसेकराइड हम लोग कहते हैं जिसमें दो मोनो आपस में मिलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डाइसेकराइड है डाइसैकेराइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं मोनोसेकराइड में ठीक हो गया यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए हम लोग पॉलीसेकेराइड्स को मोनोसेकराइड्स और फिर मोनोसैकेराइड से आगे जो है वो अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं ठीक हो गया अब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं जो हमारी बुक में है जो हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ना है वो हमने पढ़ना है दो तरीके से इसकी प्रिपरेशन एक तो स्टार्च और एक हमने मोलेसिस से ठीक है मोलेसिस से जो आ, अल्कोहल प्रिपेयर होता है ना वो हम लोग इसको ड्रिंकिंग परपज के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम लोग इसको इंडस्ट्रियली या लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है मुलेसिस में हम लोग डाइसेड को मोनोसेकाराइड में कन्वर्ट करते हैं ठीक हो गया और स्टार्च जो है स्टार्च में हम लोग क्या करते हैं पोलिसकाराइड को मोनोसेकराइड और फिर फर्दर जो है वो अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं अब बच्चे स्टार्च जो है वो कहाँ से हासिल होती है ये हम लोग हासिल करते हैं राइस से या पोटैटो से ठीक है और मोलेसिस हम लोगों को कहाँ से हासिल होती है ये हम लोग ऑप्टेन करते हैं शुगर से ठीक है ये जो शुगर के जूस है उसके बाद जो शुगर की क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है जो बाकी मादा चीज बचती है जो रेजिड्यू बचता है उसको हम लोग कहते हैं ठीक हो गया अब मैं पीछे जाती हूँ पहले तो हम लोग इसका फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन पाड़ने के होता क्या है फिर हम लोग इसको फर्दर इसमें आएंगे ठीक है अब बेटे फर्मेंटेशन मैंने बोला कि अल्कोहल जो है इसको हम लोग इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन अब फर्मेंटेशन क्या है फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बायोकेमिकल जिसमें बायोलॉजी भी शामिल होती है केमिस्ट्री भी शामिल होती है उसको हम लोग कहते हैं एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें रिएक्शंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम मुख्तफ एंजाइम्स की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और वो जो एंजाइम्स हैं वो कौन सा क्रिएट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज यीस्ट इसको दोबारा देखें फर्मेंटेशन मैंने बोला एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विच अकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वो जो एंजाइम्स हैं, वो कौन क्रिएट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। अब इसके लिए जो कंडीशंस हैं यानी यहां पे आप हेडिंग दे सकते हो कंडीशंस ठीक है कंडीशंस क्या हैं एक तो इसके लिए चाहिए हम लोगों को ऑप्टिमम टेम्परेचर ठीक है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसके लिए है वो है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत लो होगा जैसे अगर फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी होगी तो उसमें ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ना वो बहुत स्लो होगा और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा उसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ना वो बहुत स्लो होगा तो इसके लिए जो कंडीशंस है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कौन सा होगा ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अलावा प्रॉपर एरेशन ठीक है एयर का होना भी जरूरी है इसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन अगर नहीं होगा कोई चीज जिसमें से बहुत ज्यादा जो चीज कंसेंट्रेटेड है जैसे हम लोग बाजारी अचार खरीदते हैं या घरों में अचार बनाते हैं हम लोग उसमें क्या करते हैं पानी निकाल लेते हैं पानी निकालते हैं उसमें टेम्परेचर उसमें वो बहुत ज्यादा साल्ट हम लोग ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्रिजर्व हो जाता है तो हम लोगों को क्या चाहिए डाइल्यूशन ऑफ सोलूशन जैसे अगर अचार वो अचार के अलावा जो मुरबे होते हैं सेब का मुरबा तो वो भी हम लोग क्या करते हैं उसमें से पानी निकाल लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर देते हैं ठीक है तो फर्मेंटेशन के लिए क्या जरूरी है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड एबसेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव अगर प्रिजर्वेटिव मौजूद होगा तो प्रिजर्वेटिव क्या करेगा फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होने देगा ठीक है हमें हमारे लिए क्या है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि किसी भी प्रिजर्वेटिव का होना आ, नहीं होना चाहिए उसमें ठीक है दे आर द असेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन यानी नंबर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नंबर दो प्रॉपर एरेशन नंबर तीन डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन और नंबर चार एनी प्रिजर्वेटिव ठीक है ये कंडीशन है जो कि जरूरी है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए अब जो पाकिस्तान में हम लोग एथेनोल प्रिपेयर करते हैं हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं बाय मोलैसिस एंड स्टार्च ग्रेन और फ्रूट जूसेस, ठीक है अब है सबसे पहले मोलैसिस से कैसे प्रिपेयर करना है मुझे मुलासिस जो है वो है क्या फैक्ट्रीज में जब शुगर केन जूस जाता है ना शुगर केन जूस के बाद हम लोग उसको कंसनट्रेटेड करते हैं शुगर केन जूस को और उसमें से शुगर प्रिपेयर करते हैं यानी कि शक्कर गुड़ और फिर उसके बाद फर्दर उसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं शुगर में यानी कि मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस के, के जरिए हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं शुगर में ठीक है अब जो रेजिड्यू बच जाता है ठीक है जो रेजिट्यू बच जाता है शुगर की आ, शुगर की प्रिपरेशन के बाद यानी द रेजिट्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसेंट्रेटेड शुगर के इन जूस और जो रेजिट्यू बच जाता है जिसने क्रिस्टलाइज नहीं होना उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलेसिस ठीक है इट अंडरगो फर्मेंटेशन अब मोलेसिस की हम लोग क्या करते हैं फर्मेंटेशन

इन्वर्टेज क्या करेगा मोलैसिस को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोस प्लस फ्रुक्टोज में ग्लूकोज का फार्मूला भी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स फ्रुक्टोस का फार्मूला भी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बेसिकली ये एक दूसरे के आइसोमर हैं इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है मालिकुलर फार्मूला सेम लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है ग्लूकोज है उसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज है उसका फंक्शनल ग्रुप है किटोन्स अब ग्लूकोज जो है ये मोनोसेकराइड बन गया ठीक है मोनोसेकराइड यानी इसमें हमने डाई को मोनोसेकराइड में कन्वर्ट कर लिया और फिर मोनोसेकराइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स यीस्ट ने क्या किया जायमेज रिलीज किया ठीक है जायमेज की मौजूदगी में ये जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल आउट होना शुरू हो जाती है ठीक है बेसिकली फर्मेंटेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड है फर्मेंट और फर्मेंट का मतलब होता है बॉयल ठीक है फर्मेंट का क्या मतलब होता है बॉयल तो वहां से जो है ना चूँकि ये एक तरह से ये वाला जो मिक्सचर है ये हम लोगों को बॉयलिंग नजर आता है यानी कि ऐसे वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बबल आउट हो रही होती है इसलिए हम लोगों ने वहां से इसका नाम क्या रखा फर्मेंटेशन क्लियर है ये आपके पास है मोलासिस के जरिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस यानी प्रोसेसिस के जरिए हम लोगों ने क्या किया डाई को मोनोसेकराइड और मोनोसेकराइड को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और ये जो आप लोगों ने एंजाइम्स देखे बच्चे एंजाइम्स के एंड पे एज जरूरी होता है ये इसकी एक अपनी नामन क्लेचर है एंजाइम की जैसे इनवर्टेज जैसे जैसे डायास्टेज जैसे माल्टे तो इनके एंड पे जो है ना वो ए एस ई लगा होता है ठीक है अब हम लोगों ने प्रिपेयर करना है स्टार्च से कि हम स्टार्च से किस तरह से प्रिपेयर करेंगे अब बच्चे ये देखिए स्टार्च स्टार्च से हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं स्टार्च के मैंने सोर्सेस बता दिए सोर्सेस इसके हैं राइस या पोटैटो हम लोग इससे स्टार्च प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है आपको पता है जब हम लोग राइस बॉइल करते हैं तो जो जो गूदा निकल जाता है राइस अलग और जो पल्प निकलता है ठीक है जिसको पंजाबी में हम पिछ कहते हैं आप लोग ठीक है अब ये इससे हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं ठीक है राइस या पोटैटो से अब स्टार्च से जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं ठीक है तो उसको हम लोग फॉर ड्रिंकिंग परपज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुलास से प्रिपेयर की थी उसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बच्चे एक्चुअली जो इथायल अल्कोहल है इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं हम लोग इसको आ, इसको फ्रूट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसको स्टार्च से प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है देखिए अगर ग्रेप्स से प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग उन्हें इसके नाम रखे हुए हैं कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं वाइन राइस से प्रिपेयर करेंगे तो विस्की, पोटैटो से प्रिपेयर करेंगे तो वोडका तो ये मुख्तलिफ नाम है और उनके मुख्तलिफ हैं जिससे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक हो गया अब मैंने बोला स्टार्च जो है स्टार्च में तीन प्रोसेस होते हैं यानी कि को फिर हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं मोनोसेकर में कन्वर्ट करते हैं ठीक है में दो स्टेप से मोलेसियराइड को कन्वर्ट किया था मोनोसेकराइड में ठीक बेटे अब स्टार्च का फार्मूला क्या है स्टार्च जो है ना एक पॉलीमर है ठीक है और इसका फार्मूला क्या है सी सिक्स एच टेन ओ फाइव ठीक है तो हम लोग जो है ना इसमें स्टेप्स क्या है स्टेप्स ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया राइस को बॉयल कर लेने बॉयल करके उसमें से जो पल्प है यानी कि स्टार्च है उसको अलग कर लेना ठीक हो गया अब उसमें हम लोगों ने थोड़े से जर्मिनेटेड बारले बारले होता है जो वो ऐड कर देने हैं पल्प में ठीक है उसके बाद क्या करना है कि उसमें डाल देने हैं हम लोगों ने यीस्ट ठीक है जो बार, बारले है ना वो क्या करेगा ये इसमें से आ, मतलब डायास्टेज से क्रिएट करेगा ठीक है बा, बारले तो वो क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा जो स्टार्च है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा माल्टू उसमें कन्वर्ट कर लेगा ठीक है मैं पीछे आती हूँ आप लोगों के सीधे प्रोसेस की तरफ देखिए बेटे ये आपके पास स्टार्च है स्टार्च जो है वो है सी सिक्स एच टेन ओ फाइव कितने टाइम n टाइम्स यहाँ पे n टाइम्स आप लोगों ने लिखना है ठीक है आपने n टाइम्स ये ले लिए एंड टाइम्स लेने के बाद आपने क्या करना है इसमें येस्ट डाला यीस्ट जो है वो डायास्टेस रिलीज करेगा ठीक है वाटर की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में ठीक है माल्टोज का फार्मूला सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी और ये जो सुक्रोज थी यानी हम लोगों ने जो शुगर यूज की हुई थी इनका फार्मूला सेम है ये भी बच्चे आपस में आइसोमर्स है ठीक है अब माल्टोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम जो कि सिक्रियट किया है यीस्ट ने ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में ठीक है ग्लूकोज जो है ये जायमेज की मौजूदगी में ये वाला जो स्टेप था जाइमेज की मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बबल आउट हो जाती है और ये आपके पास इथायल्कोहल है ठीक है अब जो अल्कोहल हम लोगों ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए की है हम लोग कहते हैं कि ये वाली जो अल्कोहल है ये अभी इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज हम लोग इसको फर्दर जो है वो प्योरीफाई करते हैं क्योंकि इसमें फर्दर कैम इसमें जो है ना वो केमिकल मौजूद हो सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसको प्योरीफाई करते हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ से जो प्रिपेयर करते हैं ना हम लोग अल्कोहल वो ट्वेल्व परसेंट तक होती है और ट्वेल्व परसेंट से ज्यादा से ज्यादा फोर्टीन परसेंट तक जो है ना वो हम लोग हासिल कर सकते हैं क्योंकि फोर्टीन परसेंट अल्कोहल के बाद एनजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं इस अल्कोहल को हम लोग करते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस और इसको अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पास करने के बाद हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 95 परसेंट अल्कोहल में और 95 परसेंट जो अल्कोहल है उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट फिर हम लोग क्या करते हैं 95 परसेंट अल्कोहल को 100 परसेंट अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी ऑप्टेन बाई रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड अब हमने क्या करना है, है इसमें हम लोगों ने क्या करना है लाइम सी ए डाल देना लाइम स्टोन ठीक है सी ए ओ क्या करेगा नमी को जजब कर लेगा और इसको हंड्रेड परसेंट अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और जो हंड्रेड परसेंट अल्कोहल है उसको हम लोग कहते हैं absolute अल्कोहल तो इस तरह से जो है ना वो हम लोग हंड्रेड परसेंट अल्कोहल जो है ये जो ट्वेल्व परसेंट अल्कोहल है उससे हम लोग हंड्रेड परसेंट अल्कोहल कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है अब बचिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कि जो हम लोग लैब्स में बेचते हैं अल्कोहल इथाइल अल्कोहल हमारी लैब्स में पड़ा होता है लेकिन लैब्स में हम लोग प्योर जो है वो नहीं प्रिपेयर बेचते बल्कि हम लोग क्या करते हैं जो इथाइल अल्कोहल है उसको हम लोग डी नेचर करके बेचते हैं हम लोग डी नेचरेशन के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं मैथिन मैथिनोल जो है वो टॉक्सिक होता है तो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज से बचाने के लिए हम लोग टेन परसेंट मैथिनोल जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं ठीक है uh, ताकि ये गलत पर्पज़ के लिए या ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना हो सके ऐसी अल्कोहल जिसमें टेन परसेंट मैथिनोल एड किया होता है उसको हम लोग कहते हैं मिथाईलेटेड स्पिरिट तो ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट तो आप लोगों ने कहना है कि एथेनोल इज डी इट्स यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ठीक इसके अलावा अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ पीरीडीन और एसीटोन मे आल्सो बी एडिड फॉर दिस पर डी नेचरेशन के लिए हम लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एसीटोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ठीक हो गया अब है अदर मेथड ऑफ इसमें हम लोगों ने बेटे अल्कोहल अल, के प्रेपरेशन के मेथड तो नहीं हम लोग एक्चुअली ग्रिगनर रिएजेंट जो है ना वो पहले पढ़ चुके हैं वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल नहीं है लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ठीक है रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं और वहां से हम लोग अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर करते हैं ठीक है एक मेथड है हम लोग अल्किन की हाइड्रेशन ना उसमें वाटर ऐड करते हैं और उसकी हाइड्रेशन से जो है ना वो हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं ठीक है और दूसरा जो इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो है ग्रिग्न रिएजेंट से इनका रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं एल्डिहाइड या कीटोन से तो वहां से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल ठीक है तो ये ऑलरेडी जो है ना वो ग्रिगुलर रिएजेंट तो शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में अल्बत्ता एल्कीन की हाइड्रेशन जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये थी बच्चे हम लोगों ने प्रेपरेशन पढ़ी मैथिन की और एथेनोल की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ठीक हो गया